हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि मैटर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज मैटर की। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल मींस ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, वो मटेरियल कैसा है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैटेगराइज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर। ओके, तो ये सब आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अगर हम बात करें कंबस्टिबिलिटी मींस कंबशन, रिएक्टिविटी, तो ये सब हम किसमें देखते हैं, केमिकल रिएक्शन, या कोई बॉन्ड इन्वॉल्व देख रहे हैं तो भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, इसके लिए कुछ यूनिट्स होती है जो कि हमको लर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला You go and bring 1 kg sugar, है ना। तो मैंने क्या बोला, 1 kg sugar लेके आनी है। तो 1 kg क्या हुआ, एक मेजरमेंट हुआ। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं जिसको हमको क्या करना है, लर्न करना है। तो बेटा ये यूनिट किसके अकॉर्डिंग दी गई, ये यूनिट दी गई अकॉर्डिंग टू SI यूनिट। SI इज सिस्टमाइज इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग ये यूनिट्स दी गई है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेस क्वांटिटी मेजरमेंट सिंबल ऑफ दिस मेजरमेंट, देन SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ एनी मेजरमेंट, देन सिंबल ऑफ SI यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है लेंथ। क्या आती है, लेंथ। लेंथ को, लेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एल। और लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये रूम इतना लंबा है, मींस इसकी लेंथ कितनी है, तो हम इसको डिनोट करते हैं मीटर में भी और किलोमीटर में भी। बट इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मीटर, METRE मीटर। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। सेकेंड हमारे पास होता है मास। क्या होता है, मास। मास को हम लिखते हैं स्मॉल एम से, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, किलोग्राम। अब जो किलोग्राम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास है टाइम। थर्ड है टाइम। टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की जो SI यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, एंड सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल एस। ठीक है, अब हमारे पास आती है फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है करंट। करंट, करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी एम्पेयर, और एम्पेयर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। दिस यू सी, टाइम को स्मॉल T से और टेम्परेचर को कैपिटल T से। और जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। केल्विन स्टैंडर्ड होती है तो केल्विन को ही हम लेते हैं, तो केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से।
Now sixth property is number of moles. Number of moles को हम denote करते हैं small n से. तो यहाँ पे हमारे पास जो unit होगी, जो SI unit होगी वो होगी मोल, और इसका जो symbol होगा that is MOL. ठीक है. लास्ट हमारे पास आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. तो हमारे पास जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई वी से. ठीक है. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और सी डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो अगर हमारे पास लेंथ आएगी तो उसको हम मेजर करेंगे मीटर में, अगर हमारे पास मास हुआ तो उसको हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, हमारे पास टाइम हुआ तो उसको मेजर करेंगे सेकंड में, करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, और नंबर ऑफ मोल्स को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में. तो ये हमारे पास एसआई यूनिट है बेटा, और इसको हमको क्या करना है, लर्न करना है. ठीक है. अब एसआई यूनिट हो गए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये मास हमारे पास क्या है. ठीक है. डन. दिस इज डन. ओके. अब हम देखते हैं मास एंड वेट. हम ये देखने वाले हैं मास में और वेट में क्या डिफरेंस है. वैसे काफी बार हम क्या करते हैं, मास को रिलेट करते हैं वेट के साथ, बट इनमें भी डिफरेंस होता है. वो क्या होता है हम देख लेते हैं. मास मतलब द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है मैटर के ऊपर. बट वेट क्या होता है, जो ग्रेविटी है इस मास के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट. तो मास हमारे पास क्या हुआ, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, और वेट क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन अ मैटर एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी. तो फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है सब्सटेंस के ऊपर, ग्रेविटी, तो उसी को हम बोल देते हैं वेट. तो मास बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज नहीं होगा, बट वेट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होगा, वेरी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहां पे हमारे पास जो हमारा बैग होता है वो हमको क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा हैवी है. वो क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है. ठीक है. तो ये हो गया मास एंड वेट. मास की यूनिट अभी हमने देखी क्या थी, मास की यूनिट थी किलोग्राम. अगर हम इसकी स्मॉलर यूनिट देखें बेटा, किलोग्राम बहुत ही बड़ी यूनिट है, तो इसकी जो स्मॉलर यूनिट है वो हम यूज करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, जो होगी ग्राम्स. ग्राम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से. नेक्स्ट आ जाएगा वॉल्यूम. वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है उसने कितना स्पेस एक्वायर किया है उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मार्कर है, इसका वॉल्यूम कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब. क्या होगी, मीटर क्यूब. अगर हमको स्मॉलर यूनिट देखनी है तो वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम जो होता है हम लेबोरेटरीज के अंदर एक डिफरेंट स्केल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लीटर. ये जो लीटर स्केल है बेटा ये हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं लेते, कॉमन मेजरमेंट है जो हम बोल रहे हैं लीटर, इसको हम लेते हैं. और इसके विद द हेल्प ऑफ दिस लीटर हम बहुत सारे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर. तो ये जो लीटर है इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और अगर इसकी स्मॉलर यूनिट लेनी है तो वो है हमारे पास ml, दैट इज मिलीलीटर, दैट इज मिलीलीटर. हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 ml, ऐसे लिख सकते हैं. एक यूनिट और में भी हम इसको लिख सकते हैं,
1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर डेसीमीटर क्यूब में भी दिया है तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर कोई वॉल्यूम की आपसे एसआई यूनिट पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम आते हैं डेंसिटी पे, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल एम से, वॉल्यूम को वी से। एसआई यूनिट ऑफ एम मीन्स मास, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वॉल्यूम आ जाएगी, किसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, एसआई यूनिट आ जाएगी डेंसिटी की। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम। वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो हमारे पास क्या आ गई यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्मॉलर यूनिट लेना चाहते हैं इसी की, तो वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक और टॉपिक हमारे पास यहाँ पे बच जाता है, दैट इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम मेजर करते हैं, जो हमारे पास स्केल होता है वो होता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के अंदर हम मेजरमेंट देखते हैं किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर किसमें देखते हैं, केल्विन स्केल में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में अगर कोई वैल्यू दी है तो उसको हम किस तरीके से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, अगर फेरनहाइट में दी है तो किस तरीके से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू गिवन है तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, या फिर आप 273 भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे केल्विन स्केल किसके इक्वल है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, केल्विन की वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हम कैसे करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 8298 केल्विन, तो हो जाएगा टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेजरिंग स्केल दैट इज फेरनहाइट। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और फेरनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज फेरनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसको हम किस तरीके से वापस से कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिग्री सेल्सियस 25 है, अगेन 9/5 इंटू 25 प्लस 32, दिस इज 45 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77 फेरनहाइट, ओके। सो इस तरीके से हम टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्केल में, बट अगर एसआई यूनिट की हम बात करें तो वो होगी केल्विन, ओके। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।